मुरादाबाद महानगर में सड़कों के चौड़ीकरण का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में शहर के कई स्थानों पर समस्याएं भी सामने आ रही हैं। जाम की समस्या से निजात के लिए नगर निगम लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है। मुरादाबाद जिला अधिकारी ने शहर के कई स्थानों पर निरीक्षण किया। जाम की समस्या से कैसे शहरवासियों को निजात मिले, इसको लेकर दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन के सामने चौड़ीकरण को लेकर जानकारी ली और कहा कि कमियां हैं और कहां सुधार हो सकता है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही इसको देखते हुए रेलवे स्टेशन बुध बाजार के साथ अनेकों स्थानों का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने गुरुवार को महानगर के विभिन्न मोहल्लों का निरीक्षण कर सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कर चौड़ा करने और गड्ढों को जल्द भरने का निर्देश अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने रेलवे स्टेशन के सामने लगने वाले जाम से जनता को निजात दिलाने, शहर की सड़कों को चौड़ा और गड्ढा मुक्त करने का औचक निरीक्षण किया। साथ ही बुध बाजार, टाउन हॉल, अमरोहा गेट, बर्धन बाजार, मंडी चौक, फैजगंज, GIC कॉलेज, जामा मस्जिद होते हुए इंदिरा चौक, डबल फाटक आदि मार्गों को देखा। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों के गड्ढों को जल्द भरने के निर्देश दिए। बिजली विभाग के अभियंता से विद्युत खंभों को जल्द से जल्द शिफ्ट करने की कार्रवाई पूरा करने के लिए कहा। निरीक्षण के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट केशव श्रीवास्तव के अलावा बिजली, लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे।